एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद डॉक्टर का, जी हाँ, लीलावती हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित डॉक्टर का आया है स्टेटमेंट। डॉक्टर ने बताया, बाबा सिद्दीकी जब आए थे हॉस्पिटल बहुत बुरी अवस्था में, तब ना तो उनका पल्स था और ना ही ईसीजी भी, कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं था, ना ईसीजी ना पल्स, कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं था। यानी कि घटना के वक्त ही बाबा हम सब को छोड़कर चल बसे थे। डॉक्टर ने ये साफ साफ क्लियर किया। जी हाँ, इससे पता चलता है कि इतनी बुरी स्थिति में इतनी बार जो हमला हुआ बाबा सिद्दीकी पर, कम से कम 4 से 5 बार कहा जा रहा है, उससे बाबा हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए अपनी जान से लड़ ना सके, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ ना सके थे। गौर हो, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ही बाबा सिद्दीकी के साथ वारदात की जिम्मेदारी ली है।